सज्जाद अगर हंसता है तो लगता है जैसे कि गुस्सा हो रहा है, और अगर गुस्सा होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि अब तो बस इसके साथ जो मर्जी कर लो, इसको मार भी दो कुछ नहीं होगा। मेरा पक्का दोस्त वही है, दोस्ती नहीं भाई भी वही है, यहाँ पे सब कुछ वही है। अब तो मैं पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद पार्क नंबर 8 में रहता हूँ, वहीं सोता हूँ। बहुत सारे बिन गिनती के लोग सोते हैं, कितने सारे लोग होते हैं। हर ठंडे में 10-15 लोग मर ही जाते हैं, क्योंकि उनके पास ओढ़ने का सामान नहीं होता है। पिछले 12 साल से हम इसी पार्क में रह रहे हैं, हमें पता है बस कैसे। हम तो बोलते हैं हमारे अलावा भगवान करे कोई ना आए यहाँ पर, बस हम ही है जो ऐसे जिंदगी काट सकते, कोई भी नहीं काट सकता है। यहाँ पे चहल पहल एनी टाइम रहती है, रात हो या दिन। बहुत ही पागल जगह दिल्ली। ये सारी गाड़ियाँ और इतने सारे लोग, मतलब बहुत ही पागल जगह है। मैं इमरान को पिछले 1 साल से जानता हूँ। मतलब दोस्तों होने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं। जब मैं छोटा था ना तो मैंने अपनी मम्मी को भीख मांग के खिलाया, पहले कनार पुलिस से भी ऐसे बहुत जगह जाता था, अब सिर्फ पार्क में रहता हूँ मैं। इतना पैसे नहीं होता हमारे पास जो वहाँ जाए आइसक्रीम भी खाऊंगी तो 20 रुपए की है, वो 3 रुपए की आइसक्रीम मिल रही है यहाँ, वही खा लेते हैं। बच्चे सड़कों पर रहते हैं, उनको बहुत सारे खतरा होता है, जैसे सेबा कोटी है वो पकड़ के ले जाती है, और पुलिस वाले वो मारते। अभी इतने छोटे हम, हमारे ऊपर अभी से जिम्मेदारी आ जाती है, यार पैसे कहाँ से आएंगे, कम्बल कहाँ से लेंगे, लैब कहाँ से लेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे। बचपन निकल गया हमारा, पता ही नहीं चलता है। हमारे शरीर में कपड़े इतने गंदे होते हैं, लोग देख के बोलते हैं तो नहीं कैसा है, चोर है क्या है। उनका तो घर है, उनका मतलब ही नहीं है दूसरा घर हो या ना। मैं अपनी जिंदगी से ये चाहता हूँ हमारा एक घर हो, अपने अपने परिवार को मैं सही से रख सकूँ, और मैं भी खुद सही से रख सकूँ। वो ही रह सकता है जिसके 10,000 रुपये महीने की सैलरी हो, वही रह सकता है इस दिल्ली में, वही अपना घर बना के रह सकता है। घर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपना घर में जैसे भी रहो, मगर पार्क में रह नहीं सकते ना ऐसे।